नमस्कार, मैं हूँ शिखा गुसाई और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। पश्चिम बंगाल में 10 अक्टूबर 2019 को मुर्शिदाबाद में बंधु प्रकाश पाल गर्भवती धर्मपत्नी 8 वर्षीय की जघन्य तरीके से हत्या कर दी। इस घटना से संपूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है। बंगाल वहां के हिंदू समाज के लिए पर्याय बन गया है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की अत्यधिक संख्या के कारण उनके वोटों की लालची ममता सरकार भी न केवल उनके असंवैधानिक दोषकृतियों की अनदेखी कर रही है बल्कि उनको हिंदू समाज पर और अधिक अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। पिछले अनेक वर्षों से पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज को षड्यंत्र पूर्वक आतंकित व प्रताड़ित किया जा रहा है। आतंकियों को राज्य सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। बजरंग दल 15 अक्टूबर 2019 को देशव्यापी प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से डबरा SDM महोदय को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। 2019 को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो परिवार में बहुत निंदनीय घटना घटी है उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम SDM महोदय को ज्ञापन सौंपेगा। जिस प्रकार आपको पता हो कि एक गर्भवती महिला को नाग भी नहीं डसता है, इतना घृणाकृत विधर्मियों द्वारा उनके पूरे परिवार की निर्मम हत्या की गई है, यह बहुत निंदनीय है। आपको देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों से हिंदू विरोधी सरकार बैठी हुई है जो आए दिन हिंदुओं पर आक्रमण अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में हम आंदोलन करेंगे। पश्चिम बंगाल से छोटू बाथम की रिपोर्ट। तो ये थी आज की ताजा खबर। देश और दुनिया की और भी खबरें जानने के लिए बनिए रहिए भारत न्यूज टीवी के साथ। धन्यवाद।